शारदीय नवरात्रि का आज पांचवा दिन है। आज देवी के पांचवें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा होती है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको अब पांच तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली के छतरपुर के मंदिर की पहली तस्वीर है, जहाँ माता के दरबार में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर है मुंबई के मुंबा देवी की, जहाँ माता की आरती करते हुए पुजारी और भक्तगण नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे तीसरी तस्वीर की, जो कि मिर्जापुर के विंध्याचल देवी की है, जहां सुबह सुबह माता की आरती की जा रही है। और चौथी तस्वीर है असम के कामाख्या देवी मंदिर की, जहां भक्ति में डूबे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और लोग माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें पांचवी तस्वीर की, तो पांचवी तस्वीर है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की, जहां देवी आदिशक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज चूंकि नवरात्र का पांचवा दिन है, हर जगह से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। रविवार से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी थी और ऐसे में देखिए अलग अलग कोने से ये तस्वीरें आ रही है। झंडे वाले मंदिर की भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, किस तरीके से वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है और ऐसे में बता दें कि माँ स्कंद माता की गोद में स्कंद कार्तिकेय विराजमान है, इसलिए स्कंद माता का नाम पड़ा है। और बता दें कि भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है और ऐसे में आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवें दिन माँ की पूजा स्कंद माता स्वरूप के रूप में होती है और देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छतरपुर मंदिर हो या दिल्ली के झंडे वाला मंदिर हो या फिर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर हो, हर जगह में सिर्फ यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। पूजा अर्चना हो रही है और बता दें माँ स्कंद माता के चार भुजाएं हैं और माता ने अपने दोनों हाथों में कमल का फूल पकड़ रखा है। कमलेश मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं सीधे हमारे साथ। कमलेश, आज पांचवा दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है, आज क्या कुछ खास तस्वीरें निकल के सामने आ रही है? देखिए आज जो पहला दिन है, भक्तों की श्रद्धा जो है, भक्तों की श्रद्धा भी अभी कम नहीं हुई है। उन वो कुछ लोग हैं कि उन लोग बोलते हैं कि 9 दिन तक ही माँ के हम दर्शन करते हैं। आज इस समय के पास में 5 किलोमीटर की दूरी पर माँ काली विराजमान है। यही माँ काली के धाम पे आज हम है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि माँ काली के भी लोग इतनी आस्था लगाए हुए हैं कि माँ काली के भी हम दर्शन आज करेंगे। लोग छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चों के साथ में जो भी लोग है, सभी लोग माँ के लाइन लगाए हैं वे हमारे जी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, काली माता के मंदिर में है। क्या मान्यता इस मंदिर की है और कितनी पुरानी ये मंदिर है? देखिए ये मंदिर जो है कि बहुत ही पुरानी है, ये सदियों काल से प्राचीन काल से चली आ रही है। ये जो प्राचीन सदियों से जो है कि माता और जो काली माता उस समय फेमस हुई थी, तो उस समय क्या है कि जब राक्षसों का त्रेता जो कलयुग में राक्षसों का असुरों का जब संहार करने के लिए काली माता ने जो यहीं से ही अपनी वीणा उठाई थी और पूरे देश में जो असुरों का नरसंहार करने के लिए करती गई और लोगों कहना है कि जिस समय काली माता गुस्सा होकर सब लोग का उसी में मानव जाति पूरी खत्म होने की चेष्टा चाली थी। इसी समय भगवान शिव ने उनको उनको छल कपट करके जो है कि उनको रोका, उनको अपने उनके जो है कि वो लेट गए तो काली माता जब पैर लगता है तुरंत वो अतो इसी समय ये काली माता यहीं रुक गई थी। इसलिए माँ विंध्यवासिनी के धाम में जो दर्शन के आते हैं काली माता का भी दर्शन कर लेते हैं। ये आज पूरे विश्व में और पूरे भारत में फेमस है कि अगर जो भी काली माता के दर्शन करता है अष्टभुजा माता बगल में उनका दर्शन करता है। क्या यहाँ पे नवरात्र के 9 दिन के अलावा 365 दिन इसी तरीके की भारी भीड़ मौजूद होती है माता के दर्शन के लिए? देखिए 365 दिन जो यहाँ पर मेला की तरह नहीं चलता है, लेकिन हाँ विंध्यवासिनी माँ के दरबार में 365 जो होता है, पर यहाँ जो लाइनें आप देख रहे हैं वो 365 दिन लाइनें नहीं लगती है, पर बारी बारी से लोग आसानी से माँ के दर्शन करते हैं। और यहाँ एक खास और बात है, माँ काली के जस्ट पीछे एक नाथ बाबा करके है, नाथ बाबा जो यहाँ भूत प्रेत की साया को जो सब दूर करते हैं। लोग दूर दराज से इन बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं जिनको। ठीक है, बने रखिए कमलेश हमारे साथ।